जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी आदि शक्ति के द्वारा जागृत सहजी बच्चे भारत के विभिन्न शहरों से और भारत के बाहर कुछ देशों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे परम पावनी माँ, कृपा करें और आज आप हमें आपका ध्यान करने की अनुमति प्रदान करें। श्री माता जी, माँ आप हमें ध्यान की उस निष्क्रियता में पहुंचा दे माँ, जहां हम देह विहीन हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं और सिर्फ एक आत्मा बन जाएं। श्री माता जी, हे परम पावनी माँ, आज आप हमें ईश्वरीय शक्ति का वो वरदान दे माँ, जो सभी जीवंत क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, सभी जीवंत क्रियाएं उसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा होती है। हे परम पावनी माँ, वो शक्ति हमें प्रदान करें। श्री माता जी, इस निष्क्रिय ध्यान के लिए हमें तैयार कर दें और हम अपने आप ही के द्वारा दिए गए सूक्ष्म यंत्र से मूलाधार से लेके सहस्रार तक और सहस्रार से लेके श्री सदाशिव के श्री चरणों तक निर्विघ्न पहुंच सके और उस शक्ति को प्राप्त करे, उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करे जिसके लिए आपने हमारा सृजन किया, जो हमारे मानव जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य है। कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। सबसे पहले कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। संतुलन के लिए प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग में आप पूर्णतया जो भी दोष, रोग, विकार, बाधाएं जो इसको बाधित कर रही हैं, कुंडलिनी माँ का मार्ग अवरोध कर रही हैं, मुझे संतुलन में आने से रोक रही हैं, इनका आप पूर्णतया नाश करें और इन्हें अपने पृथ्वी तत्व में
पाताल की उन गहराइयों में छोड़ दे श्री माता जी, जहां से कभी भी वापस ना आए। कृपा करें श्री माता जी। ये परम पावनी माँ, आप ही मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं के लिए उत्तरदायी हैं माँ। श्री महाकाली रूप में आप ही मुझे आनंद प्रदान करते हैं, मेरी आत्मा को प्रसन्न रखते हैं। श्री माता जी कृपा करें और श्री महाकाली के ये आशीर्वाद मेरे शरीर के बाएं भाग में प्रवाहित कर दें। श्री आनंद भैरव को जागृत कर दें माँ। भैरवनाथ जी की सभी कृपाएं और उनका रक्षण मेरी ईड़ा नाड़ी को प्राप्त हो श्री माता जी, ऐसी कृपा आप मुझ पे कर दे मां। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश में, आकाश की तरफ प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, मेरे सुप्रा कॉन्शियस एरिया से जो भी जाने अनजाने बाधाएं आ रही हैं माँ, मेरे शरीर के दाएं भाग में अत्यधिक गर्मी जो मेरे अतिशय विचारों से और अतिशय क्रियाशीलता से आ रही है माँ, उसे आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। महसूस करेंगे कि हमारे दाएं हाथ से सारी नकारात्मकताएं हमारे लेफ्ट हाथ तक पहुंच रही हैं और आकाश में जा रही हैं। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही श्री महासरस्वती हैं, श्री हनुमान हैं माँ, श्री हनुमान जी ईथर एलिमेंट है, सभी कार्यों को क्रियान्वित श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। परम पावनी माँ, मेरे शरीर के दाएं भाग में श्री हनुमान जी को जागृत कर दीजिए माँ। आप ही कर्ता और आप ही भोक्ता है माँ, आप ही कर्विता है माँ। कृपा करें
और मेरी विचारों और कर्मों की अतिशयता को अपने आकाश तत्व में खींच लीजिए श्री माता जी। दोनों हाथ गोद में। अब हम अपना पूरा चित्त अपनी रीढ़ की हड्डी पे रखेंगे, एकदम नीचे के सिरे पे, टेल बोन पे, नीचे मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी का स्थान, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, निर्मल माँ के दुलारे गणेश, निर्मल माँ के प्रथम सृजन श्री गणेश, कृपा करें और मेरे मूलाधार चक्र में पूर्णतया जागृत हो जाए। अपनी सभी कृपाएं मुझे प्रदान करें। मुझे अबोध बनाए, पवित्र बनाए, निर्भीक बनाए, बुद्धि और विवेक प्रदान करें श्री गणेश। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे महसूस कर सकते हैं श्री गणेश जी की उपस्थिति को। चित्त को कुंडलिनी माँ पे लाएंगे, पांच दंडों के ऊपर कुंडलिनी माँ त्रिकोणाकार अस्थि में, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, हे गौरी कुंडलिनी माँ, आप ही मेरी जन्म जन्मांतर की माँ है, आप ही मेरे हर शरीर का सृजन करते हैं, मुझे मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, मेरी कमियों को भी जानते हैं और मेरे गुणों को भी जानते हैं। माँ उठिए और मेरे चक्रों में जो भी कमियां हैं उन्हें स्वच्छ कर दीजिए, मुझे निर्मल कर दीजिए। माँ जागिए, उठिए, मेरा योग शिव से करा दीजिए। श्री माता जी, आप ही मेरी गौरी कुंडलिनी माँ है, जागृत हो जाइए। चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे लाएंगे, नाभि के नीचे कुंडलिनी माँ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पे, अंदर एकदम अंदर पूरा चित्त श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल विद्या है, परम सत्य का ज्ञान मुझे देती हैं, ईश्वर से मिलने का ज्ञान मुझे देती हैं। आप ही मेरे अंदर वो शुद्ध इच्छा है जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरी शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। मुझे निर्मल विद्या प्रदान करिए। पूरा चित स्वाधिष्ठान चक्र पे, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी पे, ब्रह्म नाड़ी पे एकदम अंदर धागे के समान नाभि चक्र पे आएंगे। कुंडलिनी माँ स्वच्छ कर रही है नाभि चक्र को। श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान, श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है माँ। मुझे शांति दीजिए, संतोष दीजिए, मुझे समाधानी बनाइए माँ। जागृत हो जाइए, अपने श्री लक्ष्मी स्वरूप के सभी वरदान मेरे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के उत्थान हेतु सभी गुण, सभी शक्तियां, सभी आशीर्वाद आप मेरे नाभि चक्र पे प्रदान करिए माँ। नाभि चक्र को हम महसूस कर सकते हैं। भवसागर पे भी चित्त रखेंगे। धर्म के बिना लक्ष्मी जी कभी स्थायी नहीं रहती। सभी धर्म गुरुओं को नमन करके हृदय चक्र पे आएंगे। मध्य हृदय दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात विराजित है। अपनी समस्त शक्तियों के साथ नमन करेंगे। श्री माता जी यहाँ पे दुर्गा स्वरूप में सभी देवी देवताओं के साथ, सभी ग्रहों के साथ, ब्रह्मांड के साथ हमारे मध्य हृदय में विराजित हैं। सभी ग्रह, आकाश गंगाएं हमारे मध्य हृदय में, महसूस करेंगे चित्त को लेफ्ट हार्ट पे ले जाएंगे। अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। लेफ्ट हार्ट के एकदम अंदर माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ।
ये मन भी नहीं, ये बुद्धि भी नहीं हूं मां, अहंकार भी नहीं हूं, कर्ता भी नहीं। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा, महसूस कर सकते हैं अपनी आत्मा को। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हमारी आत्मा, हमारे हर कोशिका में इसी का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। फिर से मध्य हृदय में आएंगे, राइट हार्ट में भी जाएंगे, फिर से मध्य हृदय में आएंगे और ऊपर चलेंगे विशुद्धि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र, गर्दन के बेस पे जो उभरा हुआ पॉइंट है, अंदर जाएंगे उसके। विशुद्धि चक्र को महसूस करेंगे, अपने अपने ही अंदर जाना है, अपने ही को पाना है। विशुद्धि चक्र महसूस करेंगे, बहुत सुंदर। श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करेंगे और उनकी समस्त शक्तियों के साथ, ऊर्जा के साथ, विराट की शक्तियों के साथ चित्त को बैक आज्ञा तक लाएंगे। श्री महागणेश को नमन करेंगे। ये मास हमारे पुरखों के मोक्ष के लिए बहुत सुंदर मास है। हर रोज प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करिए, मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करिए माँ, मुक्त कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए माँ, उनके अपराधों के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए माँ। श्री महागणेश को प्रणाम करेंगे, महसूस करेंगे बैक आगे भी कुंडलिनी शक्ति को, फ्रंट आज्ञा पे आएंगे। श्री जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करेंगे, हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर, क्षमा का दान दे, तूने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, हमें क्षमा कर दें, हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दें। हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, महसूस करेंगे क्या हमारी कुंडलिनी शक्ति बाहर आ रही है, यदि नहीं आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा टैप करेंगे, प्रेस करेंगे,
हेल्प करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बाहर आने के लिए। कुंडलिनी शक्ति को बाहर आने देंगे। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र में श्री माता जी के श्री चरण हम देख सकते हैं अपने सहस्त्रार पे। श्री चरणों में सर रख देंगे। परम चैतन्य बहने लगा है पूरे शरीर में, हर कोशिका में, हर नसों और नाड़ियों में परम चैतन्य का प्रवाह महसूस करेंगे अपने हर शरीर के अंग अंग में, नसों में, नाड़ियों में, कोशिकाओं में परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन। आपने हमारी कुंडलिनी मां जागृत की, हमारी आत्मा को जागृत किया, शिव से योग संभव कराया। आपको कोटि कोटि नमन है माँ। नमन करके अर्धबिंदु चक्र पे जाएंगे, सर के बाहर ऊपर 3-4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु चक्र और ऊपर बिंदु चक्र और ऊपर बल है श्री माता जी का निराकार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, चूड़ी के आकार का प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे माँ के स्वरूप की और महसूस करेंगे बहुत सारा परम चैतन्य झरने लगा है हमारे ऊपर। दोनों हाथों में सर पे श्री माता जी के श्री चरणों में लगातार परम चैतन्य का प्रवाह, वंदना करेंगे माँ की, 3 महामंत्र और गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणा कुंडलिनी साक्षात् श्रीयादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीयादिशक्ति माताजी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः तमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीनिर्मलादेव्यै नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मलादेव्यै नमो नमः। पूरा चित्त सहस्रार पे रखे रहेंगे। श्री माता जी की अमृत वाणी को सुनेंगे और आत्मसात करने का प्रयास। In a very real way, yourself and everyone else around you. You look at the whole drama of life rather than become involved in the drama. All these things start to happen, and it happens. You don't get lectures about it, you just go about doing it. And that's what it's all about. So without any further ado, I'll introduce to the new people our mother, Mataji Nirmala Devi, again, and to the people who've already gained their realization, take the vibrations more and clear your chakras still more. This opportunity will come tonight and tomorrow night, and then Mataji will be going to Houston. Dr. Warren has clearly told you about the subtle body within us. And we should think why the subtle body was created. What was the need to create this body within us? And how it was created? All these centers are the milestones of our evolution. And as we started growing higher and higher, developing higher and higher awareness, we developed all these centers one by one. And at the human level is this center where the man raised his head up. Till why? What was the need to create a human being? Supposing I'm trying to get some nuts, bolts and things, and try to fix them up, make it into a good instrument. One would ask, what are you doing? Why are you assembling all this? What are you making out of it? After all, it cannot be a waste. Why such a special thing has been made? For what purpose? And that is what we have not yet discovered, what is our purpose. But if you go to any of the scriptures, you will find out that they have said, all of them have said, that you have to become yourself. That there is all-pervading power around us. Now this all-pervading power we cannot see. It exists. As they say, if you have to believe it or not. But we should find out if there is such a power or not. For example, if I say that there are lots of beautiful pictures and beautiful music in this area, you won't believe. But if I get you a television set and if I plug it to the main, you start seeing that it is receiving. In the same way, when you become connected with the whole,
then what should happen to you is that you start feeling that all-pervading power. This is self-knowledge. And is written at length, very clearly, by many people in the Indian scriptures. The reason was, the people who came in the other parts of the world had such a tough time. They were not given any chance to say anything much about it. Hardly they could utter anything, and they were crucified, poisoned, beaten up, tortured, all kinds of problems they were given. So this has to happen within us, that we should feel this all-pervading power. The other day we had two persons from a guru, and they said, how can it be only this cool breeze that is coming in us is something? For a human being to conceive something about God is to go to scriptures which have lasted for all these ages to find them. One of the authorities you can have. Now, it is said there is all-pervading power in all the scriptures. Now, supposing by going to somebody, he says, I give you power, also called Shaktipat. And he just start jumping like a mad horse or like a mad monkey. And you say it is Shaktipat. And you have vigorous movements and all kinds of acrobats you fall into. And you believe that this is Shakti. And then by the time it is over, you are exhausted and finished. How can that be a Shakti? The idea of energy within us is not horse energy, by which a horse can run very fast. That's physical energy we should understand. That's just the pranashakti. Part of this. Just part of this part. It's just the physical energy. Now, human beings don't need a horsepower, do they? You have already got big cars here, which have tremendous horsepower. You don't have to become horses now, or bulls, or some sort of an animal. Our idea of a superman is that he will have such powers that he can lift the whole building and throw away somewhere. All such absurd ideas should be given up and should understand that physical well-being, so that you can feel the blessings of your spirit. Blessing work an animal doesn't understand. But a human being must understand that when he gets spiritually endowed and spiritually blessed, then first thing he should have is a physical well-being. That doesn't mean that he becomes a wrestler. That doesn't mean that his body will be so built that if he slaps somebody, the another person will die. On the contrary, he becomes such a powerful personality that if somebody slaps him, for him, it's nothing. It's all nonsense. So the concept of human being can be from the kind of life they lead, the kind of media they face, the kind of identifications a society has. All kinds of things could be there. For example, for Japanese children, I was amazed. For them, the idea of a superman is that he should look like a ghost. He should be at least 10 times bigger than a normal human being. And that's what they think they should achieve, because I studied their media, especially their cinema, and most of them have produced these phantom ideas. We don't become phantoms. That is one thing one should. Neither we become agitated. How can we become agitated? We are in bliss and peace. If you start just gesticulating and sort of shouting and screaming like mad, then how can that be a Shaktipat?
It's madness. You are possessed. It's possession on you. Anywhere you go, anybody is possessed, you go and see lunatics, they do the same. You pay these people to become lunatics to believe that they have given you a power. Is absurd. Now the power that has come, going to come to us has to give us the well-being. People, if you look at them, they are sickly people, they are reckless. They are actually frightened, some of them are even frightened of a garlic. So the realization, if it comes to you, the chakras which are placed on your fingers should be enlightened, minimum of minimum. And that you should be able to feel this all-pervading power. That this is self-knowledge. This is Atma. Buddha means to know. To know, to feel that power, even after realizing. When you grow a little bit more, you will start seeing Pama-like power. This just like, you can say, small sparkles of Pama. You can see clearly. You can also see the Kundalini. You can also see a good soul and a bad soul like dots. You can clearly start seeing once you get your realization, when you are in that level, you start seeing. But if you get, say you are on the left hand side, then what will you see? You will see ghosts walking into your house. You will say your room is lifted up. Suddenly you will find your body is taken away and you are somewhere hanging. All these are very, very dangerous things about which people are not aware. Never go near these and these people. Recently there's a big disease that has started. It is a very dangerous disease. I don't know if you people are aware of it or not. That when small children are sleeping in the daytime, say they are in Switzerland, and say their mother may be in America. The timings are different. That time it may be the night, here it may be the day. And the mother goes to a clairvoyance and says that I would like to speak to my child. Alright. So the child is sleeping and this clairvoyance gets a soul around and asks the soul to get the soul of the child. And the mother can hear the voice of the child sitting down here. Oh, and she thinks even without any telecommunication, I'm talking to this child. And it's very common that the child dies in sleep and the mother doesn't. Because the soul has to return, and if it does not return properly, if something goes wrong in its return, the child suffers. And also, the soul suffers in any case. Yesterday, those two people who were discussing with me, arguing with me, they told me that their guru thinks very highly of me. And there also, people I've heard, they told me that our guru said that you don't go to her because she will only accept you if you are absolutely purified and we have to purify. All this is nonsense. These people are just playing tricks on your mind. The purification takes when the Kundalini rises. She purifies. जय श्री माता जी. चलिए इसका हिंदी अनुवाद दीप्ति जी से सुनते हैं फ्रॉम पुणे. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. श्री माता जी की ये अमृतवाणी न्यूयॉर्क 29 सितंबर 1981 की है. आरंभ में डॉक्टर वॉरन श्री माता जी के विषय में बताते हैं, उनका परिचय देते हैं साधकों को. आगे श्री माता जी आरंभ करती हैं बोलना. हमारे भीतर के इन सूक्ष्म शरीर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और हमें यह सोचना चाहिए कि यह सूक्ष्म शरीर क्यों बनाया गया था. यह सभी
केंद्र हमारे विकास के मील के पत्थर हैं और जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं, उच्च और उच्चतर और उच्चतम स्थिति पाते हैं, हमने इन सभी केंद्रों को एक एक करके विकसित किया है और मानव स्तर पर यह केंद्र है जहां आदमी ने अपना सिर उठाया। हमें यह समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। आपको अपना स्व बनना है, जानना है कि हमारे आसपास सब शक्तियां व्याप्त हैं। अब यह सब व्यापक शक्ति हम देख नहीं सकते, किंतु ये उपस्थित रहती हैं। जब आप इस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अनुभव करने लगते हैं इस ऑल पर्वेडिंग पावर को। यही आत्मज्ञान है। समस्त धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी शक्ति है, यानी ऑल पर्वेडिंग पावर। आगे श्रीमाता जी शक्तिपात के विषय में कहती हैं कि अजीब गरीब सी हरकतों को हम शक्तिपात नहीं कह सकते हैं। हमारे भीतर ऊर्जा का विचार या संचार भौतिक ऊर्जा है, यह हमें समझना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक ऊर्जा है। यह समझना चाहिए कि यह भौतिक भलाई है ताकि आप अपनी आत्मा का आशीर्वाद को अनुभव कर सके। किंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो जाते हैं तो सर्वप्रथम शक्ति शारीरिक कल्याण होना चाहिए। यहाँ माँ का मतलब बलशाली होने से नहीं है, यानी शक्तिशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। इसलिए मनुष्य की अवधारणा उस तरह के जीवन से हो सकती है जिसका वे नेतृत्व करते हैं, यानी हम आनंद और शांति में हैं। हमें जो शक्ति प्राप्त हुई है उस पर गौर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो नहीं समझ पाते हैं वो पुनरावर्तक हैं और वे भयभीत भी हैं। यदि आप यह अनुभव कर पाते हैं, जैसे चक्रों को जो आप अपनी उंगलियों पर अनुभव करते हैं वो प्रबुद्ध होना चाहिए। कम से कम आपको इस ऑल पर्वेडिंग पावर को अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। यह आत्मज्ञान है, यह आत्म बोध है। बोध का अर्थ जानना, उस शक्ति को अनुभव करना, यहाँ तक कि एहसास के बाद जब आप एक सुदृढ़ स्थिति पा लेते हैं तो आप अल्प विराम जैसी शक्तियों को देखना भी शुरू कर देंगे। अल्प विराम यानी कोमा के छोटे छोटे स्पार्कल्स स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। आप कुंडलिनियों को भी देख सकते हैं। आप एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा को भी देख सकते हैं, जैसे कि डॉट्स के फॉर्म में। ये बिल्कुल सत्य है कि आप स्पष्ट रूप से ये सब देख पाते हैं जब आप उस उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। किंतु अगर आप लेफ्ट साइडेड हैं तो आप खतरनाक चीजें देखेंगे जिनके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं। इन चीजों के और इन लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। हाल ही में एक बड़ी बीमारी शुरू हुई है, जैसे कि जब छोटे बच्चे दिन के समय सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि वे स्विट्जरलैंड में हैं और उनकी माँ अमेरिका में हो सकती है। दोनों का समय अलग होता है और माँ एक क्लेयरवॉयंट के पास जाती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे से बात करना चाहूंगी। तो बच्चा तो सो रहा है और माँ बच्चे की आवाज सुन सकती है यही नीचे बैठकर। वो कहती है कि ओह, मैं बिना किसी टेलीकम्युनिकेशन के बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ और ये बहुत सामान्य है कि बच्चा नींद में मर जाता है और माँ को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आत्मा को तो वापस लौटना है और अगर आत्मा ठीक से वापस नहीं आती है, अगर उसकी वापसी में कुछ गलत हो जाता है तो बच्चा दूर हो जाता है, यानी मृत पाया जाता है। और आत्मा किसी भी मामले में पीड़ित होती है जब वह शरीर को छोड़ देती है और यह मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो हम खुद को नष्ट कर देते हैं। क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
यहाँ पे श्री माता जी ने बताया है, जो कि हमने अनुवाद में भी समझ ही लिया होगा, कि जैसे माँ न्यूयॉर्क में है और वहाँ पे ये काफी कॉमन है कि जैसे हमारे यहाँ तांत्रिक होते हैं, ऐसे क्लेयरवॉयंस होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और वो स्पिरिट्स को बुलाते हैं, स्पिरिट्स से बात करते हैं और ये सब करते हैं। तो श्री माता जी बता रही हैं कि वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये जानना है कि जो हमारे अंदर ये चक्र हैं, ये आखिर मनुष्य को बनाया ही क्यों गया है। मनुष्य भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है कि जैसे नट बोल्ट लगा करके अगर हमने कोई यंत्र बनाया है तो उस यंत्र का एक पर्पस होता है कि इस यंत्र से हम क्या काम लेंगे। अब जैसे हमने प्रेस बनाई तो हम प्रेस करेंगे, या हमने पंखा बनाया तो उसकी हवा खाना चाहते हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर भी है और जिसको जोड़ जाड़ के सब चक्रों को सुंदरता से व्यवस्थित करके ईश्वर ने जो हमको बनाया है, सृष्टि में हर चीज का एक पर्पस है। तो मनुष्य के जीवन का क्या पर्पस है, हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर की परम शक्ति से जुड़ना और ईश्वर से योग करना है। तो और इसके लिए ईश्वर ने बहुत मेहनत की। अमीबा, पैरामीशियम और मछली, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, पक्षी, जीव जंतु, मतलब ये बहुत सारे जानवर बनाए, बहुत सारी तरह के जीव जंतु बनाए और तब जाके ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य का निर्माण हो सका, संभव हो सका। तो माँ ने बताया कि जैसे जीव जंतु होते हैं उनकी गर्दन नीचे झुकी रहती है तो उनका विशुद्धि चक्र नहीं खुला हुआ होता। तो फिर जैसे ही वो मतलब गर्दन उठाई जब एनिमल्स ने, तो उनका विशुद्धि चक्र खुला और तब वो ब्रह्मांड से, विराट से जुड़ सके और तब ये संभव हो सका कि हम ईश्वर को पा सकें। क्योंकि जब तक हम सहस्रार के परे नहीं जाते, हम अपने शरीर के परे नहीं जा पाते और जो शक्तियां हैं वो बाहर हैं और उन शक्तियों को हमें अपने अंदर लेना है। तो माता जी बता रही हैं कि ये जो पूरी रचना की गई ईश्वर के द्वारा, चक्रों की रचना की गई, शरीर की रचना की गई, तो ये क्यों की गई। और माँ कह रही है कि इसको जानने के लिए हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हमारे पास जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं हम उनमें पढ़ सकते हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये सब क्लियरली मेंशन्ड है। और श्री माता जी बता रही हैं कि कितना मुश्किल रहा है जो भारत के अलावा जो दूसरे देशों में जो अवतरण आए उनको लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि सत्य को ग्रहण करना आसान नहीं है। जैसे श्री माता जी कह रही हैं कि अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे बहुत सुंदर म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर चित्र आ रहे हैं तो क्या आप मानेंगे, लेकिन अगर यहीं पे इस टेलीविजन को मैं प्लग कर दूं, मेन से लगा दूं, तो यहाँ पे सुंदर चित्र भी होगा, म्यूजिक भी होगा। तो जैसे ही मेन से कनेक्ट हुआ, यानी पावर से कनेक्ट हुआ, शक्ति से कनेक्ट हुआ टेलीविजन, तो ये सब चित्र देखने लगे। सिमिलरली हम एक यंत्र है ईश्वर का और जैसे ही हम मेन शक्ति से, पावर से कनेक्ट होते हैं तो हम भी सब कुछ देख सकते हैं और तब हमको ये कोई डाउट नहीं बचता कि हाँ ईश्वर की शक्तियां हैं। और माँ ने बताया और हम सब जानते हैं, हमें से काफी लोगों ने, 90% लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो माँ बता रही हैं कि साक्षात्कार के बाद हम कौमा जैसे ईश्वर की शक्ति चमकीली चमकीली चारों तरफ फैली हुई देख सकते हैं। अभी भी यदि आप हवा में चारों तरफ अपने देखें, आप परम चैतन्य को देख सकते हैं, छोटा छोटा चमकीला चमकीला होता है। और ये बहुत ही विवेकशील है, पूरा समझता है, सोचता है, आपके लिए सदैव आपके चारों तरफ विद्यमान रहता है, आपके रक्षण के लिए, साक्षात्कारी लोगों के लिए। तो और हम बेथ सोर्स भी देख सकते हैं, डॉट की तरह, काले डॉट की तरह होती है, हम कॉमा की तरह अर्ध मात्राएं भी देख सकते हैं। तो ये सब कब हम देख सकते हैं, जब हमारा कनेक्शन डिवाइन से हो जाए। हम एक इंस्ट्रूमेंट है
जैसे ही हमारा कनेक्शन डिवाइन से हो जाएगा या मेन से हो जाएगा, जिस तरह से पंखा तभी चलेगा जब उसमें बिजली बहेगी या उसका प्लग हम ऑन करेंगे और वो उसके अंदर वायरिंग वगैरह सब प्रॉपरली हो रखी होगी। इसी तरह से जब हमारे सारे चक्र जागृत होंगे और हमारा सहस्त्रार खुल जाएगा, तभी हम ईश्वर की शक्ति को जान सकेंगे और पहचान सकेंगे, देख भी सकेंगे। Seeing is believing. So सहज is seeing is believing and experience is knowledge. So हमको ये सब अनुभवों के साथ हम ये ज्ञान को जानते हैं। ये सिर्फ हम किताबी बातें नहीं कर रहे, हम में से किसी ने, मुझे नहीं पता बाकी किसने क्या किया, कोई बहुत हम मतलब धर्म गुरु नहीं है, हम एक आम इंसान की तरह इस जीवन में पैदा हुए हैं और हमने अपने अनुभव के द्वारा ये ज्ञान को प्राप्त किया है, ज्ञान को क्रॉस चेक किया है, वेरीफाई किया है, हाँ ये सत्य है। जो भी हम माँ की वाणी सुनते हैं, माँ ने हमको जो भी बताया वो सत्य है, हम ऐसे ही नहीं मान रहे क्योंकि माँ ने बोला है, माँ ने खुद कहा है कि जब तक आपको अनुभव ना आए आप मेरी भी बात मत मानिए। तो माँ ने अनुभव के साथ हमको ये ज्ञान प्रदान किया। तो श्री माता जी बता रही है कि जो सोल्स है, हमें अपने आप को जानना है कि हम एक आत्मा है और हमें जब ये जो परम चैतन्य है, जो ईश्वर की शक्ति है, जब इसका शक्तिपात होता है तो आमतौर पर श्री माता जी बता रही है वहां पे लोगों को ये है, माँ से उन्होंने कहा कूल वाइब्रेशंस आ गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, बस यही होगा जब हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा। मतलब उनका ये कहना था जब शक्ति आएगी तो हमको उछलना कूदना चाहिए और बहुत सारी पावर आ जानी चाहिए, हॉर्स पावर आ जानी चाहिए, घोड़े की तरह उछलना चाहिए और हम एक किसी को चाटा मारे तो वो मर जाए, इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। और माँ कह रही है कि जापान में तो ऐसा भी मतलब सुपर मैन का यही वो होता है, ये शक्ति इसी को मानी जाती है कि वो भूतों से ज्यादा मतलब बहुत बड़े आकार का है और बहुत बड़ी शक्ति है उसके पास। श्री माता जी ने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये तो फिजिकल एनर्जी है, पिंगला नाड़ी से हर एक के अंदर आ सकती है और हमें हॉर्स पावर लाने की जरूरत क्या है जब हमारे पास कार्स हैं जो इतने हॉर्स पावर की ऑलरेडी होती हैं। तो हमें वापस थोड़े ना जाना है, जानवरों की तरह व्यवहार थोड़े ना करना है, उसके तो हम ऊपर आ गए, हम तो सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन महामानव होने का मतलब है कि हम, हमारे अंदर ये ब्लेसिंग्स आ गई, आत्मा का प्रकाश आ गया, शांति आती है जब इस शक्ति का संचरण होता है, ये शक्ति हमको आशीर्वादित करती है, एकदम शांत कर देती है, ना कि एकदम उद्वेलित कर दे हमको और हम जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे या उड़ने लगे या उछल कूद करने लगे। तो ये शक्तिपात नहीं है, शक्तिपात है परम चैतन्य का हमारे ऊपर बरसना, हमारा एकदम से शांत हो जाना, क्योंकि शांत व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। मौन तो ना जाने कितने क्रोधियों को भी शांत कर सकता है। तो मौन हो जाना और यह सबसे बड़ी शक्ति है, लोगों को क्षमा कर पाना बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये सारी जो शक्तियां हमारे अंदर बहने लगती हैं, तो श्री माता जी ने बताया ये आत्मा की जागृति से होता है। जो हम सबको पता है हमारी कुंडलिनी जागरण सबसे पहले हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है और फिर ये आत्मा का प्रकाश हमारे ऊपर के सारे चक्रों से होता हुआ बुद्धि में जाता है और हृदय और बुद्धि एक हो जाते हैं साक्षात्कार के बाद। तो ये तो वी ऑल नो, लेकिन वहां पे माँ कह रही है कि जैसे सोल्स हैं, सोल्स को बुलाना और उनसे बात करना ये मतलब बड़ी थोड़ा निम्न स्तर का कार्य है और बड़ा गलत कार्य भी है। जैसे ये जो वहां पे लोग होते हैं, अब जैसे कोई माँ बोले कि अरे मेरा बच्चा तो दूसरे देश में है, वो सो रहा होगा, मुझे तो अपने बच्चे की याद आ रही है, मुझे तो उससे बात करनी है, तो वो क्या करते हैं, एक आत्मा को भेजते हैं कि उस बच्चे की आत्मा को वहां पे ले आए। तो एक आत्मा को वो लगा देते हैं, उसका बच्चा स्विट्जरलैंड से अमेरिका में, उसकी सोल आ गई, सोते हुए बच्चे के अंदर से आत्मा निकाल लाए और उससे वो बात करके माँ खुश हो गई कि देखो बिना
तार बिना दूर संचार के मैं अपने बच्चे से बात कर पा रही हूँ बिना टेलीफोन के। लेकिन वो आत्मा वापस उस शरीर में कैसे जाएगी, कई बार गड़बड़ भी हो सकती है और 90% टाइम से ज्यादा वो बच्चा मृत पाया गया। सो इस तरह के लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। श्री माता जी कह रही हैं कि वो जो दो लोग माँ के पास आए, उन्होंने बताया कि हमारे गुरु या जो क्लेरवेंट है वहां पे रहते हैं, जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम श्री माता जी के पास नहीं जा सकते क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो, हम तुम्हें शुद्ध करेंगे तभी तुम उनका सामना कर पाओगे। तो श्री माता जी ने कहा कि शुद्ध तो आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको करती है जब ये जागृत होती है। सो बहुत ही सुंदर लेक्चर था, काफी कुछ हम लोगों ने कवर किया और बाकी हम सब जानते हैं अनुभव के आधार पे और समझ ही गए होंगे। तो श्री माता जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि माँ ने हमको इतना शुद्ध ज्ञान दिया और उसको उसका अनुभव भी दिया ताकि हम इन गहराइयों को समझ सके कि हमें कहाँ रहना है। और माँ ने कहा कि जो ये तांत्रिक वांत्रिक होते हैं ये हमको लेफ्ट में ले जाते हैं जहां पे मतलब कुछ भी होने लगता है। लेफ्ट में तो कुछ भी हो सकता है, वी कैन सी अ भूत वॉकिंग इन, वी कैन सी हमको एकदम उड़ता हुआ, हम हवा से ऊपर उठ गए, हमारा बेड उल्टा हो गया। तो सब कॉन्शियस एरिया में नहीं जाना है, ये वहां पे हमको ले जाते हैं जहाँ पे हमें ये ऊट पटांग चीजें जो भूत है वो करते हैं और वो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, बट हमें उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। जय श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी। चित्त को शांत करेंगे, एकाग्र करेंगे और ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। चित्त को समेट लेंगे पूरा, मध्य हृदय में आ जाएंगे, मध्य हृदय में आ जाइए, माँ दुर्गा के पास आ जाइए। गहरी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे और फिर गहरी सांस भर के होल्ड करेंगे और दुर्गा का उच्चारण हृदय में ही करेंगे या मैं बोल के करूंगी 12 बार। जगदम्बा 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 पूरा चित्त मध्य हृदय में। दुर्गा माता जगदम्बा हमारे मध्य हृदय में जागृत है पूर्णतया। समस्त देवी देवता श्री माता जी के दरबार में मध्य हृदय में, समस्त ग्रह उपग्रह मध्य हृदय में, आकाश गंगाएं मध्य हृदय में, पूरा ब्रह्मांड बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी अनुभूति। चित्त को बाएं हृदय में भी लाएंगे, अपनी आत्मा के साथ कुछ पल बिताएंगे,
महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। श्री सदा शिव का प्रतिबिंब हमारी आत्मा, हम एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, कर्ता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक आत्मा है। चेतन में, अचेतन में, सुषुप्ति में, जागृति में, हर जगह विद्यमान हूं मैं, आत्मा हूं मैं। महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। धीरे से मध्य हृदय में आएंगे और सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ दुर्गा माता जगदम्बा के दरबार में उपस्थित सभी गणों की शक्तियों के साथ अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, अनुमति लेके अपनी ध्यान यात्रा को और ऊपर बढ़ाएंगे। ऊपर जाएंगे अर्धबिंदु चक्र पे, सर के ऊपर, और ऊपर बिंदु चक्र, डॉट है ये, और ऊपर वलय चक्र, चूड़ी के आकार का घूम रहे हैं सभी चक्र, प्रदक्षिणा की स्थिति पार करेंगे और ऊपर सभी चक्रों से होते हुए भेदते हुए सभी चक्रों को कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा रही है आकाश तक, आकाश से संपर्क कुंडलिनी शक्ति का, परम चैतन्य और भी अधिक मात्रा में बरसने लगे हैं, शक्ति पात हो रहा है, परम चैतन्य ईश्वर की शक्ति है। स्नान करते रहेंगे इसमें लगातार। ऊपर चलेंगे आकाश के, सूक्ष्म शरीर हमारा ऊपर जा रहा है, अंतरिक्ष में जाएंगे, ग्रहों के साथ कुछ पल बिताएंगे, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सभी ग्रह, और ऊपर चलेंगे आकाश गंगाओं से होते हुए, नेबुला से होते हुए शिवलोक की तरफ चलेंगे, और ऊपर और ऊपर। दो पहले लाइन से यहाँ सब शांत हो गया, शून्य सरोवर, श्री सदाशिव, परम चैतन्य से बने हुए श्री सदाशिव, विशाल काय, ध्यान में मग,
दर्शन करेंगे जी भर के। श्री चरणों में सर रख देंगे। हे शिव शंभु, मन वचन कर्म पांचों इंद्रियों से यदि कभी भी कोई अपराध हुआ हो आपकी शान के खिलाफ तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु, मुझे शुद्ध आत्मा बना दे, मेरे दुख कष्ट कलेश पाप संताप सब हर ले प्रभु, शुद्ध कर दे मुझे। महसूस करेंगे कि सब कुछ श्री सदाशिव के श्री चरणों में जा रहा है, पूरे नत हो जाएंगे। धीरे धीरे सर को उठाएंगे, आत्मा के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे, छोटी सी लाइट बन जाएंगे। श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाएंगे, प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे अपने हृदय में संभालो, मुझे अपने हृदय में संभालो। प्रार्थना करते करते श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे, समा जाएंगे पूरी तरह। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करने का प्रयास करेंगे। नमन करेंगे श्री सदाशिव के श्री चरणों से जो परम चैतन्य झर रहा है, उसके साथ पूरे अपने सहस्त्रार पे आएंगे और मूलाधार चक्र तक जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। संतति प्रमोद मान मानसी काकटाक्ष धोरणी निरुद्ध
शिवलोक से लगातार जो परम चैतन्य अभी तक हमारे ऊपर बरस रहा है,
हमारे रुद्रों का अभिषेक हो रहा है, दोनों हाथों में परम चैतन्य, रीढ़ की हड्डी में भी परम चैतन्य बह रहा है। चित्त को सहस्रार पे रखेंगे, ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे, श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस ध्यान यात्रा के लिए, शिव से योग कराने के लिए। ये परम पावनी माँ, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने चित्त को अपने घर में घुमाएंगे, पूरा सब जगह, अपने शहर में घुमाएंगे, बहुत गोल फैल रहा है आज चित्त, जितना प्रसार हो सके करिए चित्त का, पूरे भारतवर्ष में जैसे चारों तरफ गोल गोल बहुत बड़ा सा घेरा, बहुत बड़ा घेरा, हमारे ही जैसे एक्सपेंशन हो रहा है ऑरा का। पूरे विश्व में ले जाएंगे, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह चित्त को ले जाएंगे। भारतवर्ष में आएंगे, अपने शहर में आएंगे, अपने घर पे आ जाएंगे, लगातार शक्तिपात हो रहा है, बीबी ऊपर से लगातार, श्री सदाशिव के श्री चरणों से, अंतरिक्ष से होता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे एक सीधी रेखा में मूलाधार चक्र तक, शिवलोक, अंतरिक्ष, आकाश, सहस्रार, नीचे के सारे चक्र, रीढ़ की हड्डी से मूलाधार चक्र तक, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से फिर रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक, सहस्रार तक, दोनों हाथों में परम चैतन्य। I hope you have understood that the all pervading power around us is the one that is doing Sahaja Yoga, is the one that has brought you to Sahaja Yoga, and is the one who has given you blessings, is Param Chaitanya, which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that, we can use that power, we can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that. So when you are doing this puja, please remember that you are worshipping me as Param Chaitanya. And so you have to just think that you are dealing with reality itself. With that understanding, you have to do this puja. God bless you.
इसी के साथ आज का ध्यान सत्र यहीं हम अब इसको विराम देंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से, हे परम पावनी माँ, हमें सदैव आत्मबोध में रखिए। श्री माता जी, हम सब कुछ अपने आत्मा के ही प्रकाश में देखें माँ, दृष्टा भाव से देखें। श्री माता जी, आपकी दी हुई ये दिव्य शक्तियों का हम भरपूर उपयोग करें, आपका यंत्र बने और हमारे मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, श्री सदाशिव से योग करना, उसको हम प्राप्त कर सकें। श्री माता जी, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री परम चैतन्य है। श्री माता जी, कृपा करें और हमारे इस योग को स्थायी बनाए माँ। हम हर पल, हर क्षण, हर वक्त परम से एकाकारिता को महसूस करते रहें। हम सांसारिक जीवन में जो भी कार्य करें माँ, हमारा योग एक क्षण के लिए भी क्षीण ना हो, परम से बना रहे लगातार। आपकी शक्ति, परम चैतन्य हमारे अंदर से सदैव प्रवाहित होता रहे और हम इस सांसारिक जीवन से जो भी बाधाएं आती हैं माँ, उनको स्वीकार कर सके, क्योंकि उनका भी प्रयोजन है, आपका ही रचा हुआ ये जीवन है मेरा। ये परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली जो भी बाधाएं हैं श्री माता जी, उनको पूर्णतया दूर कर दे माँ, और मेरी आत्मा सदैव प्रकाशित रहे, इस पे कोई भी धूल ना आए मेरे सांसारिक जीवन से, ऐसी कृपा कर दे श्री माता जी, ऐसी कृपा कर दे श्री माता जी। ये परम पावनी माँ, मैं आपका बना हुआ यंत्र हूं, मैं कभी अपना प्रयोजन ना भूलूं। श्री माता जी, मेरे इस जीवन का उद्देश्य इस सांसारिक जीवन का उपभोग करना नहीं है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य परम से प्राप्ति है, परम से योग है, ये बात मैं कभी भी ना भूलूं माँ। जो भी माया है, जो भी भटकाव है श्री माता जी, इसको आप दूर रखें, दूर कर दें श्री माता जी। मुझे मेरी आत्मा में सदैव स्थापित रखें श्री माता जी। मैं आपका यंत्र बन के जीऊं, जो आप चाहें वही मैं देखूं, जो आप चाहें वही मैं सुनूं, जो आप चाहें वही मैं बोलूं, जो आप चाहें वही मैं बनूं श्री माता जी, वही मैं बनूं श्री माता जी, वही मैं बनूं श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को बहुत शुभकामनाएं इस सुंदर ध्यान मार्ग के लिए और इस पे चलने के लिए। श्री माता जी, हमें सदैव शक्तियां दें और हम माँ के यंत्र बन सकें जिसके लिए हमारा निर्माण हुआ। और श्री माता जी, हर पल, हर वक्त, हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करें
और हमारा इस आध्यात्मिक मार्ग पे इसको प्रशस्त करें, बाधाएं सभी दूर रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा और सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।